बात ये अंतिम बात है परमेश्वर के वचन की सेवकाई और मेरा विश्वास है परमेश्वर आप हरे को छूने वाला और कोई भी ऐसा वापस नहीं जाएगा जिस प्रकार आप आए लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर है when Jesus is here, जब यीशु मसीह यहाँ पर है things automatically happen. और चीजें अपने आप बदलती चली जाती है केवल अपने आप को परमेश्वर के लिए बनाए रखे ताकि परमेश्वर का आत्मा आपको छूने पाए Today, God is going to bless everyone. आज परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है धन्यवाद करता हूँ पास्टर लिजो उनके परिवार के लिए जो यहाँ पर सेवकाई कर रहे हैं Thank God for Matthew Philip who has come from Thrissur, right place, and ministering here with songs. मैं धन्यवाद करता हूँ मासूमाती के लिए जो त्रिशूल के रसे कपड़ा कर सेवकाई को करते हैं. I want to thank God for every man of God sitting here. और मैं हर एक परमेश्वर के दास को धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ पर बैठे हुए हैं. My friend Titus George. और मेरे मित्र टाइटस जोस. And also my friend who is translating me, Pastor Daniel. और मैं अनुवाद करने वाले पास्टर को भी धन्यवाद करता हूँ. I want to thank God for the servants of God sitting here. और मैं धन्यवाद करता हूँ जो परमेश्वर के सेवा को यहाँ पर बैठे हैं. I praise God for each one of you, the children sitting in the front. जो बच्चे यहाँ बैठे हैं उनके लिए भी धन्यवाद करता हूँ. God bless everyone. परमेश्वर हर एक पास्टर के लिए बाय. It is the night of your miracle. आज की रात एक अद्भुत रात होने वाली है. पवित्र आत्मा हर एक को छूने पाए और प्रभु परमेश्वर हर एक को चंगा कर पाए आओ आपको सामर्थ्य भरने पाए दिस इज अ ब्लेसिंग मुल्ताई सर्विस और आज परमेश्वर मुल्ताई को आशीषित करने पाए दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ रिवाइवल इन मुल्ताई ये मुल्ताई का एक प्रारंभ है जागृति का देयर आर गोइंग टू बी मेनी मीटिंग्स दैट गॉड इज गोइंग टू अरेंज हियर और परमेश्वर आने वाले में बहुत सी सभाओं का आयोजन करने जा रहा है आसपास के क्षेत्र में जागृति की सभा होगी और आत्मिक एक आग को परमेश्वर यहाँ पर भेजेगा हर एक जीवन को वो परिवर्तन करेगा मानसिकता में थके होंगे और कमजोर और निर्बल समझे होंगे God has a very special word for you. परमेश्वर का वचन आपके लिए विशेष तौर से होगा. He said, Let not your heart be troubled. और कहता है तुम्हारा मन भी आकुल होने ना पाए. Let not your heart be troubled. तुम्हारा मन भी आकुल होने ना पाए. Your heart is troubled. तुम्हारा अगर मन भी आकुल है. God says, Let not your heart be troubled. परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा मन भी आकुल होने ना पाए. Believe in me and believe in my Father. और मुझ पर विश्वास करो मेरे पिता पर. Hallelujah. Hallelujah. Why you should not be troubled? क्यों आप व्याकुल नहीं होना है My father's house, there are many mansions. मेरे पिता के घर मेरे पिता के यहाँ बहुत से भवन है आइए वचन को देखेंगे चौदह अध्याय उसका एक और दो पद यमुना रचित समाचार चौदह अध्याय एक और दो पद तुम्हारा मन व्याकुल ना हो तुम्हारा मन व्याकुल ना हो परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो Our next verse. मेरे पिता के घर में बहुत रहने के स्थान है यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता My father's house there are many mansions and I am going to take you there I will come back and take you there यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं जो तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा Even if you don't have a house in here हो सकता है आपके लिए यहाँ पर इस पृथ्वी पर घर नहीं होंगे You may not have much property here. आपके पास यदि ज्यादा जमीन जायदाद नहीं होगी But make sure you have a house in heaven. लेकिन आप इस बात को याद करें कि स्वर्ग में आपके लिए भवन है My house is ready. मेरा घर तैयार है How many of you have a house ready in heaven? आप सुनो कितनों विश्वास करते हैं कि आपका आपके लिए भवन स्वर्ग में तैयार है Not ready, you have to start doing work for the kingdom of God. अगर आप तैयार नहीं है अपने आप को तैयार करिए परमेश्वर के राज्य के लिए What does verse 15 say, 18 say, 18 say? अठारह वचन क्या बताता है John 14 verse 18. यूहन्ना 14 उसका अठारह पद I will not leave you as orphans. I will not leave you as orphans. यहाँ पर मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा Many people think that you are an orphan. कई लोग सोचते हैं कि हमारा
Nobody is there to help me. कोई मेरी सहायता करने वाला नहीं. Jesus says, I will not leave you as orphan. लेकिन यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें हलाल नहीं छोडूंगा. You are not alone. आप लोग अकेले नहीं है. He says, I will never leave you nor forsake you. और मैं तुम्हें कभी छोडूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं. I will be with you till the end of the world. मैं अंत के दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा. And when you die, जब तुम मरोगे, I will take you to my home. मैं अपने भवन में तुम्हें लेके जाऊंगा. You must walk with God. He not walked with God. हालो परमेश्वर के साथ चला. God took him away. और उसे उठा लिया. 300 years he not walked with God. 300 वर्ष हालो परमेश्वर के साथ चला. God decided to take him away. और परमेश्वर ने योजना बनाया उसको उठा के लेके जाने के लिए. Hallelujah. 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 And what does it say in verse 23? और 23 पद में क्या लिखा है? Chapter 14 verse 23. 14 अध्याय का 23 पद में. मेरा पिता इससे प्रेम रखेगा. नेक्स्ट वर्स. और हम अपने पास आएंगे, हम उसके पास आएंगे, हम उसके पास आएगा और उसके साथ वास करेंगे, उसके साथ वास करेगा. सच्ची दाखलता मैं हूँ. And you are the branches. और तुम डालियाँ हो. Unless you abide in me. जब तक तुम मुझ में बने नहीं रहोगे. You cannot bear fruit. और तुम कभी भी फल को नहीं लाओगे. We need to abide in Jesus. हमें यीशु मसीह के साथ बने रहना है. We obey God. जब परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं. Father will be pleased with you. वो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है. He will come and live with you. और वो हमारे साथ वास करता है. How many of you want God to live in your house? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ भवन में रहे. In your heart. आपके हृदय में. Wherever you go. जहाँ कहीं आप जाए. Then what will happen? क्या होगा? Verse 27. उसका 27 पद. What does it say in verse 27? 27 पद में क्या लिखा है? Don't let your heart be troubled. I am going to live with you. मैं तुम्हारे साथ रहूंगा. When I live with you, जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, I will give you peace. मैं तुम्हें शांति दूंगा. When God lives in your house, जब परमेश्वर आपके भवन में रहेगा, what will happen? क्या होगा? Peace will come in your house. शांति आपके भवन में आएगी. Joy will come in your house. वो खुशी आपके घर में आएगी. Darkness will fly away. अंधकार आपके घर से निकल जाएगा. God's presence will make you happy. वो परमेश्वर की उपस्थिति आपको प्रसन्न करेगी. Tonight, आज की रात, you have come with a broken heart. आप टूटे हृदय के साथ यहाँ पर पाए जाते हैं. Trouble in your mind. आपके मन में आप विचलित हैं. There are lot of problems in your house. आपके घर में बहुत सारी समस्या है. The devil is trying to destroy you. वो शैतान आपको नाश करने के लिए लगा हुआ है. Jesus comes into your heart. लेकिन यीशु मसीह जब आपके घर में आता है, peace will come into your heart. शांति आपके घर में आती है. I will give you my peace. मैं अपनी शांति तुम्हें दिया जाता हूँ. God cannot give you that peace. वो कोई संसार आपको शांति नहीं देगा. God cannot take it away. संसार आपको लेके नहीं जाएगा. Peace that passes all understanding. और वो शांति आपके साथ बनी रहेगी. That is the peace of Jesus. वो है परमेश्वर यीशु मसीह की शांति. Take that at the beginning of the meeting. और ये इस सभा के प्रारंभ से उसे हम प्राप्त करेंगे. Tonight we are going to discuss a very major topic. आज की रात हम विशेष विषय पर हम चर्चा करेंगे. God is going to speak to everyone. God is speaking to everyone. परमेश्वर हर एक से प्रत्येक से बात कर रहा है. And make you understand how what will happen when Jesus comes into your heart. इस बात को समझने का प्रयास करें कि जब यीशु मसीह आपके घर में आता है, वो किन किन कार्यों को करता है. Revelation. प्रकाशित वाक्य पुस्तक. Chapter 21. उसका 21 अध्याय. Verse 5. उसका पांचवा पद. Very important verse. ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है. Behold, I make everything new. और यहाँ पर लिखा है जो सिंहासन पर बैठा है उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ. Make, I am going to make everything new. मैं सब कुछ नया कर देता हूँ. Tonight, God is going to make new things in your life. आज की रात
you get a new sari, you are very happy. अगर आपको एक नई साड़ी मिल जाए आप बहुत खुश हो जाएंगे. Children are very happy if they get new toys. और बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे जब उनको एक खिलौना मिल जाएगा. And the girls are very happy when they get a new dress. और लड़कियां बड़ी खुश हो जाती हैं जब उसको एक नया वस्त्र मिल जाता है. Everybody is happy with new things. हर व्यक्ति नए चीज को प्राप्त करता है खुश हो जाता है. Today God is going to give you something new. और वो परमेश्वर आपको एक नई चीज को देना चाहता है. What did God say? परमेश्वर क्या कहता है? Behold, I make everything new. और कहा कि मैं सब कुछ नया कर देता हूँ. Behold, you see, I am going to make everything new. उसने कहा कि देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ. You are going to see something new happening in your life. आपके जीवन में आप एक नया बन एक नई चीज को लेकर पाएंगे. Jesus has come to make things new. और यीशु मसीह इसलिए आया कि एक नया चीज को आपके जीवन में लेकर पाएंगे. What are the new things you are going to get? उसको विस्तार से आपको बताऊंगा कि वो प्रभु क्या कर सकता है आपके जीवन में. The book of Colossians. कुलुसी की पत्री. Epistle of Colossians. कुलुसी की पत्री. Chapter 3. उसका तीसरा अध्याय. Verse 10. उसका दसवां पद. The book Epistle of Colossians chapter 3 verse 10. कुलुसी की पत्री तीन अध्याय. उसका छह पद. और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है. You have to first put on the new man. आप सबसे पहले मनुष्य नया मनुष्य को पहनना है. The old man has to go. पुराना मनुष्य को उतार आना है. It's the first thing when Jesus comes into your heart. जब परमेश्वर आप प्रभु यीशु मसीह आपके जब हृदय में आता है. You're a new man. You become a new man. आप एक नया व्यक्ति बन जाते हैं. How does it happen? वो कैसे होता है? Renewed in the knowledge of God and the image of God. जब परमेश्वर के ज्ञान में और उसकी समानता में जब बढ़ते हैं. How is this new man formed? और कैसे एक नया व्यक्ति तो तैयार होता है? True righteousness and holiness. जब आप सच्चाई और पवित्रता में जीवन व्यतीत करते हैं. That is how a new man is made. ये इसी प्रकार एक नया मनुष्य तैयार होता है. How is a new man formed? Yes. ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बन जाता है. परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर आपको एक नया मनुष्य को प्रदान करता है. आगे पढ़ो क्या लिखा है. नेक्स्ट वर्स अगला वचन जल्दी पढ़ो. We are going to be everything in Christ. हम सब कुछ मसीह के द्वारा सब कुछ उसके द्वारा होता है. How many of you are ready for that new transformation? आप कितने लोग तैयार चाहते हैं कि आपके जीवन में एक नया पल आ जाए? In olden days, पुराने समय में, earlier you were used to lie. हम पिछले पुराने समय में हम झूठी बातों को बोलते थे. Get angry very fast. हम जल्दी से क्रोधित हो जाते थे. I was a very hot-tempered man. और मैं बहुत ही क्रोधित व्यक्ति था. Very hot-tempered. बहुत ही जल्दी गुस्सा करता था. The day before my marriage. जब मेरे शादी के पहले. My sister came and said. और मेरे बहन ने आके मुझसे कहा. I am your sister. उसने कहा कि मैं आपकी बहन हूँ. That is why I am living with you. इसलिए मैं आपके साथ रहती हूँ. But if your wife, if you get angry like this. हाँ, अगर इस प्रकार आपकी पत्नी अगर गुस्सा करती है. She will run away. और वो घर छोड़ के भाग जाएगी. So don't get angry with your wife. हाँ, इसलिए आपकी पत्नी के साथ गुस्सा मत करना. I said keep quiet. मैंने कहा चुप रह. I will take care of this. हाँ, मैं देख लूँगा. My mother was ironing in the other room. हाँ, मेरी माता दूसरे कमरे में कपड़ा प्रेस कर रही थी. She said listen. You need to change. हाँ, सुन मुझे बदलना होगा. I am born again. मैं एक नया जन्म पाया व्यक्ति. I am baptized. मैं बपतिस्मा लिया व्यक्ति. But still not the new man. लेकिन अभी भी नयापन नहीं है. Suddenly I get angry. और तुरंत मैं गुस्सा हो जाता था. My emotions are controlling my life. और मेरी जो भावना है मुझे काबू करती थी. देवम अग्ने माचारा ग्रहिकु. परमेश्वर उसे बदलना चाहता है. God wants to transform you. परमेश्वर आपको परिवर्तित करना चाहता है. After the marriage. शादी के बाद. First night. पहली रात. Wow. Oh. I tell my
my wife. मेरे अपने पति से कहा. I have no bad habits. ओ मेरे बुरा स्वभाव मेरे जीवन में कोई बुरा स्वभाव नहीं है. एक ही है. एक ही गलती है. One problem. एक ही समस्या. I said I am very hot tempered. हाँ मैं बहुत गुस्सा करने वाला व्यक्ति हूँ. Suddenly she collapsed in the bed. No pulse to breathe. ओ तुरंत वो बेहोशी हालत में बिस्तर में गिर गई. क्या हो गया? What happened? क्या हो गया? What happened? क्या हो गया? First night she's all out. ओ पहली रात ही बेहोश हो गई. I only wanted to marry a man who is not hot tempered. मैं उस व्यक्ति से शादी करना चाहती थी जो गुस्सा नहीं करता. I am the pet in my family. Nobody has shouted at me. Father has not shouted. Mother, I am the best in the house. मेरे घर में मेरे माता पिता ने कभी नहीं मुझे चिल्ला कर मुझसे बातचीत नहीं किया. मैं अपने घर में एक बहुत अच्छा लड़का था. How will I handle? कैसे उसको मैं काबू करूंगा? I can't, I don't know what to do. मैंने मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना. I said God will help. हाँ मैंने कहा परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा. Both of us together we will work it out. हाँ हम दोनों मिलकर कार्य करेंगे. He said what to do? हम क्या करेंगे? I said when I am angry and shouting. जब मैं चिल्लाऊंगा गुस्सा होगे. After 5 minutes, के बाद, I will cool down. मैं ठंडा हो जाऊंगा. And I will hug you. मैं आपको गले लगा लूंगा. I will talk to you. मैं तुमसे बात करूंगा. But when I'm angry, लेकिन जब मैं गुस्सा करूंगा. Don't speak to me. मेरे से बात मत करना. She said, Wow. और क्या अच्छी बात. Very simple. अरे बहुत ही सरल. Because my wife is a quiet lady. मैं आपकी जो पत्नी है बहुत ही शांत स्वभाव की है. अरे she doesn't get angry. और वो जल्दी से गुस्सा नहीं करती. She doesn't shout. वो चिल्लाती नहीं है. So when I got angry, जब मैं गुस्सा करता हूँ. She was silent. वो चुपचाप हो जाती है. After 1.5 years, एक साल के बाद, my sister came to see me in Vellore. और वेल्लोर में मेरी बहन मुझे देखने के लिए आई. And after 2 days, दो दिन के बाद, she said, उसने कहा, चाचा, you have become a very different. ओ भैया तो आपको बदल गए. No anger now. अब तो कोई गुस्सा नहीं है. How patient you are. ये कैसे हो गया? चमत्कार. God has helped me. परमेश्वर ने मेरी सहायता की. With the help of the family, I was able to control my anger. ओ परिवार के सहयोग से मेरा गुस्सा शांत हो गया. My first son came. मेरा पहला जो बेटा आया. He was very naughty. वो बड़ा शरारती था. And when he got doing wrong things. और जब वो गलत काम करता था. My anger came up. मेरा गुस्सा बढ़ जाता था. I thought it went off. और मैंने सोचा चला गया. No, it was there inside me. मैं वो अंदर था मेरे अंदर था. I realized it only when my son came. और जब मेरा बेटा उत्पन्न हुआ तब मैं जाना. I said God help me. वो परमेश्वर मेरी सहायता कर. मुझे बदल दे. I want to be a good man. मैं अच्छा व्यक्ति बनना चाहता हूँ. I want to be a gentleman. मैं एक सभ्य व्यक्ति बनना चाहता हूँ. I want to be a humble man. मैं एक नम्र व्यक्ति बनना चाहता हूँ. I was very angry with my son. मैं अपने बेटे से बहुत क्रोधित कर सकता हूँ. Sometimes I used to beat him. मैं उसको कई बार मारा. But when after he finished, जब वो उस कार्य को खत्म कर दिया. I have two daughters. मुझे दो बेटियां हैं. Abner is my son's name. Abner मेरे बेटे का नाम है. Abigail and Abilene, two girls. Abigail और Abilene दो लड़कियां हैं. My older daughter Abigail. मेरे अपने बड़ी बेटी जो Abigail. When I got angry first time. जब मैं पहली बार उससे गुस्सा हुआ. She was about to collapse. वो अपने दिल में एकदम घबरा गई. When I said I will never get angry with her. मैंने तब ठान लिया. मैंने कभी गुस्सा नहीं करूंगा. When my youngest daughter came. जब फिर मेरी छोटी बच्ची हुई. My anger completely went. और मेरा गुस्सा पूरी तरह से चला गया. और जब कोई गलत सामग्री मेरे पास नष्ट ला के देते उसको मैं फेंक देता था. और अगर कोई मुझे गलत कहता था मैं उसको चिल्ला उठता था. और मेरे पिता कहते थे ऐसा काम कभी नहीं करता. Jesus Christ smashed everybody. If there is wrong, I must hit them. यीशु मसीह ने जब यीशु मसीह कोड़ा चला सकता है तो मैं भी चला सकता हूँ. I didn't understand anything. मैं इस बात को समझ नहीं पाया. I was like Moses. मैं मूसा के समान था. Initially he was very angry man. वो पहले वो बड़ा क्रोध करने वाला व्यक्ति था. He killed somebody. उसने लोग को मार दिया. He had to run away to the desert. वो मरुस्थल में भाग गया. But in the end of his life. लेकिन उसके जीवन के अंतिम समय में. Moses was the greatest gentleman ever lived in the world. ओ इस संसार में ऐसा व्यक्ति जो मूसा के समान मूसा जिया ने जो अन्य लोगों के समान जिया. He was known as a friend of God. वो परमेश्वर का मित्र बन गया. Today you may be having very many bad habits. आपके जीवन में कई प्रकार के बुरी आदतें होगी. But God is going to make a new man. लेकिन परमेश्वर आपको एक नया व्यक्ति बनाना चाहता है. Make you a new man. वो आपको नया बनाना चाहता है. No patchwork in the kingdom of God. कोई जोड़ने और
जोड़कर मिलकर जोड़कर किंगडम ऑफ गॉड टुकड़े को जोड़कर करने वाला कार्य स्वर्ग में नहीं न्यू मैन नया व्यक्ति कंप्लीटली न्यू मैन नया व्यक्ति वी विल रीड इन एफिशिएंस चैप्टर 4 वर्स 24 एफिशिएंस की पत्री व्हाट आर द न्यू थिंग्स गॉड इज गोइंग टू गिव यू मनुष्य तो है परमेश्वर के स्वरूप में अनुरूप में है नाउ यू आर नॉट इन द इमेज ऑफ गॉड अभी तो आप परमेश्वर के समान समानता में नहीं है But God wants to make a man out of you who is in the image of God. लेकिन परमेश्वर आपको उस अनुरूप में बनाना चाहता है Why does he want to make you in the image of God? क्यों वो परमेश्वर के अनुरूप आपको बनाना चाहता है You are the bride of Jesus Christ. क्योंकि आप यीशु मसीह के दुल्हन हो Hallelujah. Hallelujah. If the bride has to go to heaven, अगर दुल्हन को स्वर्ग में जाना है it has to be a new bride. वो एक उसके उसके अंदर एक नयापन होना चाहिए like the bridegroom. आपको उस दूल्हे के लिए दुल्हन बनकर तैयार होना होगा That is why God is going to bless you. इसलिए परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है And make you new. आपको एक नया बनाना चाहता है Have you understood what I said? मैंने जो कहा आप उस बात को समझ रहे होंगे I'm going to explain it to you. फिर से मैं आपको उसको मैं बताना चाहता हूँ When butterfly is formed, जब तितलियां तैयार होती है बिफोर द बटरफ्लाई कम्स आउट जब तितली बाहर आने के पहले इट विल बी अ वर्म एक कीड़े के रूप में होती है इट विल बी ईटिंग ऑल द लीव्स वो हर पत्तियों को खाती है आफ्टर दैट इट बिकम्स अ प्यूपा और वो प्यूपा जब तैयार हो जाता है इट बिकम्स इनटू अ कोकून और वो कोकून के रूप में हो जाता है इट विल बी हैंगिंग ऑन द लीव्स वो किसी पत्ती से वो लटक जाता है वर्म इज इनसाइड द कोकून उस कोकून के अंदर इल्ली पाई जाती है व्हाट इज हैपनिंग इन द कोकून उस कोकून के अंदर क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन उसमें एक बदलाव परिवर्तन आता है न्यू थिंग्स आर हैपनिंग उसमें नया बनाता है The worm is becoming a butterfly. वो इल्ली अब एक तितली का रूप धारण कर रही है What is happening in the church? और जब कलीसिया में इसी प्रकार होता है All the worms are becoming butterflies. हरे इल्लियां उस तितली का रूप प्रदान कर लेती है आप चर्च में एक इल्ली के रूप में आते हैं God takes you and put you in a cocoon. लेकिन जब आपको परमेश्वर एक कोकून में रख देता है the transformation. वो आपके जीवन को परिवर्तित करता है out of the cocoon. जब उस कोकून से बाहर आते हैं become a butterfly. एक तितली के समान बनकर उड़ना प्रारंभ करते हैं जब एक छोटा बच्चा था बालक था मैंने एक कुकुर को देखा and I saw the worm trying to come out. और उसमें से इल्ली बाहर निकलने की प्रयास कर रही थी I thought I should help the worm. तो मैंने सोचा कि मैं उसकी इल्ली की सहायता करूंगा I never knew that I should not help I should wait for God to help. मैं उस बात को नहीं जानता था कि परमेश्वर की उस योजना का मैं इंतजार करूं I went and took a scissors. मैं घर में गया कैंच लिया कट ओपन द वर्म और उस कुकुर उस कुकुर को मैंने काट दिया व्हाट हैपेंड क्या हुआ थिक फ्लैशी वर्म केम आउट स्लोली लाइक दिस हां और वो जो एकदम कमजोर वो इल्ली धीरे-धीरे बाहर निकल गई केम आउट ऑफ द लीव और वो पत्ती से बाहर निकल गई फॉर अ डे और कुछ दिन तक रही The night after that. उसके बाद वो भाग गया. There was two other cocoon next to it. और उसके बाद ठीक बाजू में थे वो दोनों. Few days later. कुछ दिन के पश्चात. The worm just squeezed out by itself. और उसमें से इल्ली अपने आप बाहर निकल गई. I was watching it was flying out with a colorful butterfly. और मैं उसको बड़े से ध्यान से देखा. एक रंग बिरंगी तितली बनकर उसमें से निकलकर उड़ गई. Today you are a worm. आज आप इल्ली के समान है. God is going to make you into a butterfly. और हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो रेत को एक उस हीरे के समान बना देता है All diamonds are formed from that sand. और हर एक जो हीरा वो रेत के द्वारा या मिट्टी से बनकर बना है Maybe a sand today. हो सकता है आज आप एक रेत के समान है But you are going to be a diamond. लेकिन आप एक हीरे के समान चमकने वाले Rock has to undergo so much of pressure.
pressure. बहुत से दबाव में होकर वो चलता है. ज्यादा दबाव है अच्छा हीरा बनेगा. More pressure, better diamond. जितना उसको दबाया जाएगा उतना अच्छा हीरा बनेगा. How does it happen? वो कैसे होता है? Under the big mountains. वो बड़े चट्टान के अंदर. Why are you having problems? क्यों आपके जीवन में समस्या है? Why there is pressure all around? क्यों आपके आपके जीवन से उस समस्या से बाहर नहीं निकल पा रहे? God is making a hero out of you. परमेश्वर आपको उसमें से हीरा बनाना चाहता है. You are going to be a diamond in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में आप हीरा बना दिए जाएंगे. You are going to be a butterfly in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में एक तितली के समान उड़ने वाला हो जाएंगे. You are going to get a new form. You are going to be a new creation. आप एक नया मनुष्य को धारण कर लेंगे. Continue to pray, read the Bible and wait in the presence of God. इसलिए लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करना और उसकी बाट जोते रहना. Let us go forward. आगे हम बढ़ेंगे. 2 Corinthians 5:17. दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 17 पद. 2 Corinthians 5:17. दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 17 पद. What does it say? यहाँ पर वचन क्या कह रहा है? इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है. पुरानी बातें बीत गई है. देखो सब बातें नई हो गई है. हालेलुया हालेलुया. पुराने बातें बीत गई है. Amen. Old things have all gone. पुराने बातें बीत गई. Everything has become new. देखो सब बातें नई हो गए. Now you are worried about the old things. आज आप चिंता करते हैं पुरानी बातों की. Old sins and old failures. पुराने पाप और पुराने असफलता के बारे में. All the mistakes you made. आपने जो गलती की उसके बारे में. God is going to take it away. परमेश्वर ने उसे उठा लिया है. I'm going to make it new. आपको एक नया बनाना चाहता है. Old things have gone. पुरानी बातें बीत गई. Behold, everything has become new. वो सब कुछ नया हो गया है. That is why God has brought you here. इसलिए परमेश्वर ने आपको यहाँ पर लेके आया. Are you ready to become new? क्या आप नया बनना चाहते हैं? Hallelujah. Hallelujah. 50-year-old Amachi is sitting here and saying, how I can become new? हाँ, अगर 50 साल की एक माता जी यहाँ पर बैठी सोचे कि मैं कैसा नया बनूंगी? अभी बुढ़ी हो गया. हम तो बुढ़े. Pastor saying everything was going to be new. Pastor कह रहे हैं कि सब कुछ नया हो जाएगा. Oh, हो जाएगा. कैसे होगा? Hallelujah. Hallelujah. Psalm 103 says. भजन संहिता 103 कहता है. Your youth will be renewed like the eagles. हाँ, तुम्हारी जवानी की अवस्था उकाब के समान नई हो जाएगी. You were 60 when you came inside. जब 60 साल के थे बाबा मंदिर आए. After the prayer when you go back. जब प्रार्थना के बाद आप वापस आते हैं. You will be 10 years younger and you will be 50. आप या 10 साल के बच्चे के समान बन जाते हैं. Hallelujah. Hallelujah. बच्चे का समान नहीं बच्चा बन जाएगा. Yes. You will be young immediately. आप तुरंत एक नए बच्चे के समान बन जाते हैं. समान नहीं बच्चा के जैसा. बच्चे के जैसा हो जाएंगे. समान नहीं इधर समान नहीं है. You are going to become young. आप उस जवान के जवान जैसा हो जाएंगे. Hallelujah. Hallelujah. How many of you are ready? कितने लोग तैयार हैं? Dr. Kovoor is not saying. Dr. Kovoor नहीं कह रहा है. Bible says. Bible कहती है. I will renew the youth like the eagles. मैं तुम्हारी जवानी अवस्था को मुकाब के समान नया कर दूंगा. You thought your ministry is over. जवान की जवानी सेवकाएं खत्म हो गई. You thought you cannot work anymore. आप ज्यादा काम नहीं कर सकते. But God is going to anoint you and use you more than ever. लेकिन परमेश्वर आपको अभिषेक के साथ इस्तेमाल करना चाहता है. Hallelujah. Hallelujah. One day Elijah thought everything was over. एक दिन एलिसा ने सोचा सब एलिया ने सोचा सब कुछ खत्म हो गया. And he went and slept under the tree. वो एक पेड़ के नीचे सो गया. And he said, God, take my life. उसने कहा कि मेरे जीवन को ले ले. Isabel is going to kill me. इसबेल मुझे नाश करने के लिए तैयार है. I don't want to live anymore. मैं अब जीने नहीं चाहता. I am the only one who is correct in this place. और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ मैं जो सच्चा इस स्थान में. God sent an angel. परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा. And made him each special manna from heaven. और स्वर्ग से उसके लिए विशेष मन्ना को प्रदान किया. And said, wake up. उसने कहा उठ. Don't worry. चिंता न कर. You have your ministry. तेरे लिए और भी सेवा बाकी है. You have more to run. We have more to run. अब तो तुझे और दौड़ना है. दौड़ना और है. दौड़ने के लिए और है. दौड़ने के लिए और है. भविष्यवाणी बोल रहा हूँ सुनो. तुमको और दौड़ना है. आपको दौड़ना है. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. And I don't know whom I am speaking to. मैं नहीं जानता किससे बात कर रहा हूँ. But God is speaking to somebody.
परमेश्वर आपको अभिषेक दे रहे हैं। Everybody knows this verse. It's a favorite verse, my favorite verse. What does it say? Lamentations 3:23. His mercies are new every morning. Lamentations 3:23. His mercies are new. 3:23. लिखा है प्रति बोल वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। His mercies are new every morning. उसकी दया प्रति बोल वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। Great is thy faithfulness. Word 22 also repeat. उसकी बात उसकी 23-24 पढ़े। प्रति बोल वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। Great is thy faithfulness. His mercy is new every morning. 22. हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, उसकी दया अमल है। Every day his mercy is new. हर दिन उसकी दया हमारे लिए नई है। Today you have a new mercy from God. आज परमेश्वर की ओर से आपके लिए एक नई दया है। Not yesterday's mercy. कल की दया नहीं। Today's mercy. आज की दया। God gave Israelites every day new manna. अब देखते हैं कि इस्राएल को परमेश्वर ने हर दिन नया मन्ना खिलाया। Not yesterday's manna. वो पुराने मन्ने को नहीं। New manna every day. हर दिन एक नई मन्ना को। Somebody kept the old manna, the previous day manna. अगर पुराने मन्ना को अगर कोई बचा के रखे, what will happen the next day? अगले दिन क्या होता है? It becomes worm. वो उसमें कीड़े लग जाते हैं। It totally becomes worm. वो पूरी तरह से कीड़ा हो जाता है। Hallelujah. Hallelujah. Yesterday's mercy is not good for you today. कल की पुरानी वाली जो दया आज के लिए ठीक नहीं है। You need to get new mercy. आपको एक नई दया चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना में इस प्रकार सिखाया। Give us this day our daily bread. उसने कहा कि दिन भर की रोटी आज हमें दे। Not weekly sambar.
साप्ताहिक सामान में डेली ब्रेड रोज की रोटी नाउ फ्रिजेस कम अभी तो फ्रिज आ गए घरों में वी कुक फॉर वन वीक एंड कीप इट इन द फ्रिज एक हफ्ते के लिए खाना बनाकर फ्रिज में रख देते हैं वीकली सांभर वीकली सब्जी वीकली राइस और साप्ताहिक चावल साप्ताहिक सांभर But God says every day. लेकिन परमेश्वर कहता है कि हर दिन. His mercy is new every day. हर दिन उसकी दया हमारे लिए काफी है. Today did you receive a mercy from Him? आज क्या परमेश्वर की ओर से दया प्राप्त किए हैं? Receive it now. इसी वक्त प्राप्त करें. Hallelujah. Hallelujah. God's mercy is new every day. परमेश्वर की दया हर दिन हमारे लिए नई है. Don't waste His promises. उसकी प्रतिज्ञा को हम खोए नहीं. His promises are all yes and amen. और उसकी प्रतिज्ञा हमेशा हाँ और आमीन में होती है. Never know. Never know. कभी नहीं. When you believe in God. जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं. Trust in God. जब परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं. Pray for things. और प्रार्थना के द्वारा उसको मांगते हैं. He will give you His promises. उसकी प्रतिज्ञा को वो हमारे जीवन के अंदर पूरी करता है. God can never go back in His word. और परमेश्वर कभी अपने बातों से बदलता Promises. वो परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को देता है। I will give you one or one testimony of mine. मेरी गवाही को आप एक तो बताना चाहता हूँ। And I was working in Delhi. जब मैं दिल्ली में काम करता था। I finished my MS. मेरे अपने MS in surgery को पढ़ाई की समाप्त की। I wanted to do MCH neurosurgery. और मैं MCH neurosurgery करना चाहता था। And I was traveling in front of All India Institute Delhi. मैं All India Institute जो दिल्ली का था उसके सामने से मैं जा रहा था। Number one institute in India. इंडिया में सबसे पहला नंबर का वो इंस्टीट्यूट है। I said God give me a job there. मेरे परमेश्वर का प्रभु मुझे यहाँ पर नौकरी मिलना चाहिए। I said Psalm 37 says. भजन संहिता 37 कहता है। Delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. और वो कहता है कि परमेश्वर मांग को तेरी मनोरथों को पूरी करेगा। If you delight in God. अगर तुम किसी प्रकार लालसा रखते हो। God will give you the desires of your heart. परमेश्वर आपकी मनोरथों को पूरा करेगा। I said I want an admission in all the institutes. मैंने कहा मुझे admission इस और ये institute में चाहिए। I wrote my biodata. मैंने अपने biodata को लिखा। I took an appointment with the head of the department, Dr. Banerjee. और मैं डॉक्टर बनर्जी से मैंने appointment लिया। I went to him. उसके पास गया। Sir, give me a job. मैंने कहा सर मुझे नौकरी दीजिए। He asked, what have you done? तो उन्होंने पूछा कि आपने क्या किया? I said I did my MBBS and MS from CMC Ludhiana. I want to do neurosurgery. और मैंने कहा कि मैंने MBBS और मैंने संजीव मैंने लुधियाना हॉस्पिटल किया है। He said you can't get admission like that. उन्होंने कहा इस प्रकार आपको यहाँ पर नौकरी नहीं मिलेगी। You have to write entrance exam. उन्होंने कहा कि आपको एक परीक्षा लिखनी होगा। You have to be number one in the country. आप कंट्री में पहला स्थान पाना होगा। You have to be military sponsored or government sponsored. आपको किसी सरकारी के द्वारा आपको सहायता होना चाहिए। You can't walk into my office and ask for a job. आप मेरे ऑफिस में चलकर इस प्रकार नौकरी नहीं मांग सकते। I want to work with you. मैंने कहा मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। Department is very good. आपका department बहुत अच्छा है। I like to do neurosurgery. मैं बहुत नीरोसर्जी को बहुत पसंद करता हूँ। 10-15 minutes he was to get angry. 10-15 मिनट के बाद वो मुझसे गुस्सा हो गया। गुस्सा होने लग गया। गुस्सा होने लगा। I decided. मैंने सोच लिया। I said, Dr. Banerjee, can I leave my application with your secretary? मैंने कहा कि मैं मेरा जो आवेदन मैं आपके उस सेक्रेटरी के पास छोड़ सकता हूँ। He said, you could even go. Okay, आप उसको दे दे चले जाओ। I put it to the secretary. मैंने सेक्रेटरी को दे दिया। I came back to AD Sagar Nursing Home where I am working. और जिस फार्म में मैं काम करता था उस नर्सिंग होम में वापस आ गया। They asked, what happened? How was the interview? उन्होंने पूछा कि आपका इंटरव्यू कैसा था? I said, very good. मैंने कहा बहुत अच्छा था। He said, really? बहुत अच्छा अच्छा ऐसा हुआ। He said, leave the secretary. I said, biodata is with the secretary. और मैंने कहा कि वो आवेदन को सेक्रेटरी के पास दे दिया। I have a faith in seeing things which are not in front of me. और मेरे सामने जो कुछ दिखाई देती है और मतलब कि मैं उस पर विश्वास करता हूँ। जो गलती है वो देखता नहीं है रास्ता देखता है। Amen. All the time I see the way of God. मैं हमेशा परमेश्वर के रास्ते को देखता हूँ। You know, under the Red Sea, आप जानते हैं मृत सागर में When Israelites were going to cross, और इस्राएल लोग उसे यहाँ वहाँ से यहाँ लगा रहे थे। There was only one place where there are two big mountains. और वहाँ पर ऐसा स्थान था जहाँ पर दो बड़े पर्वत थे। There is a big road in the middle. और उसमें से रास्ता था। And only one place where there everyone can sit like this overnight. ऐसा स्थान था कि इस प्रकार से लोग वहाँ पर बैठ सकते थे। And only one place where the old people go down and up without steep slope. और वहाँ सब ऐसा स्थान भी था कि बुजुर्ग चल के बड़े आसानी से ऊपर जा सकते थे। When was this made? ये कब बना? In the before, during the time of creation.
और ये जो बनाया गया उस सृष्टि के पहले not when the Israelites came there. वहाँ ऐसा नहीं हुआ सृष्टि के पहले जब इस्राएलों आए तभी नहीं बना लेकिन the beginning of the creation. संसार को बनाने से पहले the escape route for the Israelites God had made much earlier. उसको छिपने के लिए जो स्थान परमेश्वर ने बनाया वो सृष्टि के पहले ही बनाया. What happened only in the night last night? वो पिछले रात में क्या हुआ? He sent the wind. उसने आंधी को भेजा. The Red Sea divided. और डर साकर दो भाग हो गया. The hidden way became visible. और जो छिपे हुआ स्थान वो दिखाई देने लगा. All your ways are already made. उसने पहले से रास्ता बनाया हुआ था. All your purposes are God plans. और पहले से आपके लिए हो था. All you need is a revelation. आपकी जो जरूरत है वो आपके लिए प्रकाशन के रूप में था. Hallelujah. Hallelujah. God will send the wind and reveal it to you. और परमेश्वर आंधी को भेजकर वो आपके जीवन में प्रकाशन को दे रहा था. Hallelujah. Hallelujah. I believe that I'm going to get an admission there. और मैंने विश्वास किया कि मुझे वहां पर एडमिशन मिलेगा. 5 days later. 5 दिन के बाद I get a phone call. मुझे एक फोन कॉल आया. Dr. Kovoor is there? Dr. Kovoor is वहां पर है. I said yes. Yes, मैं वहां पर हूं. Dr. Banerjee is calling you. डॉक्टर बैनर्जी आपको बुला रहे हैं. How can I happy? मैं कैसे हो सकता? Half day leave and I ran to Dr. Banerjee. आधा दिन के छुट्टी लिया और डॉक्टर बैनर्जी के पास चला गया. Sir, you called me. और सर मुझे आपने बुलाया? Yes. हाँ मैंने बुलाया. I'm willing to join. क्या आप चाहते हो कि यहाँ पर दाखिल हो? I said yes. मैंने कहा हाँ. Today? आज? Yes. हाँ हाँ जी. Then join right now. He signed and gave me join. इसने कहा और मैं हस्ताक्षर कर आज से तुम यहाँ पर काम करोगे. Central government job with a very high salary. और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नौकरी है बड़े बड़ा अधिक वेतनों से. With the appointment letter, I had to meet 20 people and get all the files ready. और 20 व्यक्तियों के साथ मुझे फाइल तैयार करके मुझे दे दिया गया. It took me 2 hours. मुझे 2 घंटा लगा. At 4 o'clock. 4 बजे. I wanted to have a chai. चाय का समय हो गया. When everything was over, I went to the canteen. सब कुछ खत्म हो गया. मैं चाय पीने के लिए कैंटीन गया. Anybody who is going to come, I'm going to give my testimony. और जो कोई आएगा मैं अपनी गवाही को बताऊंगा. I like telling my testimony. और मैं चाहता हूं कि गवाही को बताऊं. So one fellow came. एक व्यक्ति आया. I said, hello, I am George Kovoor. और मैंने उससे कहा हेलो मैं जॉर्ज कोवर हूं. He said, I am Dr. so and so. और उसने कहा कि मैं डॉक्टर मैं वो हूं. I said I got admission as a non-PG in neurosurgery today. आज मुझे न्यूरोसर्जरी में पढ़ाने के लिए दाखिला मिल गया है. He smiled at me. वो मुझको देखकर हंसा. He said yesterday I resigned. मैंने कल में इस रिजाइन दिया है. I got the job in his resignation. उसके रिजाइन देने के स्थान पर मुझे वहां पर नौकरी मिली. Hallelujah. Hallelujah. I said you want paratha biryani all mine. You all are paratha. And I said, why did you resign? क्यों आपने resign किया मैंने पूछा. He said, I got a job in England. मुझे इंग्लैंड में नौकरी मिल गई है. God gave me a job in England to give me a job here. हाँ मुझे वहाँ पर इंग्लैंड में नौकरी मिली है इसलिए. और उसको उनको खुदा ने इंग्लैंड में जॉब दिया क्योंकि मेरे को एम्स में एडमिशन देने के लिए. Hallelujah. इतना अच्छा खुदा है मेरा बाप. Hallelujah. I was so excited. मैं बहुत आनंद से भर गया. For 2 hours. मैंने 2 घंटे उनसे बातचीत किया. जाने से पहले भोगन में मुंबई. जाने के पहले. He said this is the application for CMC Bangalore. और उसने कहा ये एप्लीकेशन है CMC Bangalore का. Only 3 more days if you apply you may get. अगर 3 दिन बाकी है उसको आप आवेदन कर सकते हैं. You can't get it anymore. The time is close. But you can send it. आप अभी उसके बाद आपको मिलेगा नहीं. अभी तुरंत उसको भेजना है. He got it. I didn't even know the date. मुझे तारीख नहीं मालूम था. कुछ भी नहीं मालूम था. He bought it. He gave it to me. उसने उन्होंने लेके आया और मुझे दिया. Believe me, I got admission in that application. और उस एप्लीकेशन के द्वारा मुझे दाखिला मिला. MCH neurosurgery was made possible by somebody else's application. और किसी के आवेदन के द्वारा परमेश्वर ने मेरे लिए उस कार्य को किया. My God is a great God. मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है. Is the game changer?
chapter 11 verse 19. यश्केल की पुस्तक 11 अध्याय 19 पर. Prophetical book of Ezekiel chapter 11 verse 19. यश्केल की पुस्तक उसका 11 अध्याय. What are the new things that God is going to give you? वहाँ पर नया चीज क्या देता है? ये very interesting things. ये बड़े बड़े खुशी के बात बताए गए हैं. Ezekiel 11:19. 19 यश्केल की पुस्तक 11 अध्याय 19 पर. 11 अध्याय 19 पर. मैं उसका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा. नई आत्मा, new spirit I will give you. मैं नई आत्मा को दूंगा. And God is going to give you a new spirit. मैं नई आत्मा को दूंगा. But before giving you the new spirit, अब नई आत्मा को पाने के पहले, He has to give you a new heart. वो आपको नया हृदय देगा. Hallelujah. Hallelujah. In the old heart, new spirit cannot stand. पुराने हृदय में नया हृदय नहीं रह सकता. नया स्पिरिट नहीं रह सकता. नहीं, नया हृदय नहीं रह सकता. नहीं, नई आत्मा पुराना हृदय में नहीं रह सकता. नई आत्मा पुराने आत्मा के अंदर नहीं रह सकता. न्यू वाइन कैनॉट बी पुट इनटू ओल्ड वाइन स्किन. पुराने दाखरस में नया दाखरस नहीं डाला जा सकता. हालेलुया. हालेलुया. इफ यू वांट टू गेट द न्यू स्पिरिट, अगर आपको नई आत्मा चाहिए, यू हैव टू गेट द न्यू हार्ट. आपको नया हृदय होना आवश्यक है. ये सवाल किस लिए? हार्ट ट्रांसप्लांटेशन. हार्ट का हृदय का बदलाव होने के लिए. न्यू हार्ट, नया हृदय को प्राप्त करने के लिए. पास्टर लिजो सेड योर डॉक्टर इज गोइंग टू ऑपरेट. आप पास्टर लिजो ने कहा कि डॉक्टर आपको शल्यक्रिया करेगा, ऑपरेशन करेगा. वेरी क्लियरली आपने बड़े ध्यान से सुना. आई एम नॉट ऑपरेटिंग. मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा. ही इज गोइंग टू ऑपरेट. परमेश्वर आपको ऑपरेशन करेगा. ही इज गोइंग टू गिव यू अ न्यू हार्ट. वो आपको नया मन देगा. एंड ही विल गिव यू अ न्यू स्पिरिट. आपको एक नई आत्मा का प्रदान करेगा. हालेलुया. हालेलुया. हाउ इज योर हार्ट नाउ? अभी आपका हृदय कैसा है? लाइक अ स्टोन, पत्थर के समान. वेरी डिफिकल्ट हार्ट, बड़े कठिन हृदय. नेवर लिसनिंग टू गॉड्स वॉइस, वो कभी भी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनता. ऑलवेज वांटिंग टू डू योर ओन थिंग्स, वो हमेशा अपनी इच्छा को करना चाहता है. God wants to give you a new heart. लेकिन परमेश्वर आपको नया हृदय देना चाहता है. Ezekiel chapter 18 verse 31. यश्केल 18 अध्याय उसका 31 पर. What is God is saying? वहाँ पर इस प्रकार लिखा है. Ezekiel 18:31. 18 उसका 31 पर. अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो. अपना मन और अपने आत्मा बदल डालो. It is time to change your heart and your mind. ये समय है कि अपना मन और आत्मा को बदलने के लिए. Old heart is useless. पुराना हृदय किसी काम का नहीं. It is corrupted. वो पूरा कपट से भरा हुआ है. It is under the control of the devil. वो शैतान के अधीनता में है. It is doing practicing wrong things. वो गलत चीजों को गलत कार्य को करता है. It has to be changed. वो बदलने की आवश्यकता है. God has to give you a godly heart. परमेश्वर आपको परमेश्वर का हृदय. वो चाहता है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा को भरे. How many of you are ready for heart transplantation? कितने लोग चाहते हैं अपने हृदय को बदलने के लिए? परमेश्वर आपको एक नया हृदय देगा. Yesterday, I was telling my testimony yesterday morning. Yes, कल के दिन और आज की सुबह मैं अपने गवाही को बता रहा था. Anybody for the first time today? आज कितने लोग यहाँ पर जो पहली बार हैं? मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ. जब मैं मेरा जन्म हुआ, I was born as a hydrocephalic baby. मेरा हाइड्रोकेफालिक बच्चे के समान जन्म हुआ. Huge head with water inside. मेरा सिर बड़ा था और उसमें पानी भरा हुआ था. God, my parents took me to all the doctors. मेरे माता पिता ने बहुत से डॉक्टरों को दिखाए. They said the child will not live. वो डॉक्टर ने कहा कि बच्चा बचेगा नहीं. He will be physically, mentally retarded. और ये शारीरिक और मानसिक तौर से ये बिल्कुल खत्म हो चुका है. ये किसी काम का नहीं. I came to this world like a bundle of problems. और मैं इस संसार में बहुत सारी समस्याओं के साथ जन्म लिया. Hallelujah. Before I was formed in my mother's womb. जब मैं माता के गर्भ में रचने से पहले. Bible says God saw me. परमेश्वर ने मुझे देख लिया. Bible says I am fearfully and wonderfully made. और बाइबल ने परमेश्वर के वचन में मुझे देख परमेश्वर देख लिया. एक अद्भुत रीति से बनाया हुआ. Bible very clearly says all of us are created fearfully and wonderfully. और परमेश्वर का वचन स्पष्ट से बताता है हम लोग अद्भुत रीति से रचे गए हुए हैं. You may think you are not good. आप सोचते हैं कि
अपने धर्मालयों को बंद कर दिए। My parents brought me back home. मेरे माता-पिता ने वापस मुझे घर ले किया। And they started praise. उन्होंने धन्यवाद परमेश्वर को शुरू किया। They knew Psalm 121. उनको भजन संहिता 121 उनको मालूम था। I lifted up my eyes unto the hills. और वचन को कहा कि मैं अपने आँखों के पर्वत के लगा। Where does my help come? मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? My help comes from the God who created heaven and earth. मुझे सहायता यहोवा के से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है। Today. आज। Where does your help come? आपकी सहायता कहाँ से आती है? From the God who created heaven and earth. जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया उस God से। Not from your relatives. आपके रिश्तेदार के द्वारा नहीं। Not from the doctors. डॉक्टर के द्वारा नहीं। Not from the collector. कलेक्टर के द्वारा नहीं। Not from any party. कोई पार्टी के द्वारा नहीं। Not from your friends. आपके मित्रों के द्वारा नहीं। But from the God who created. लेकिन जिस परमेश्वर ने आपको बनाया उसके द्वारा आपको सहायता मिलती है। God spoke to them. परमेश्वर उनसे बातचीत किया। Seek ye first the kingdom of God. पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो। And everything shall be added unto you. They left the vomiting child with the grandmother, went out with the Bible. वो बच्चा जो उल्टी उल्टी करके पड़ा हुआ उस बच्चे को लेकर उनके दादी के पास दे दिए. And went out for the gospel. और वो उन्होंने वो छोड़कर सुसमाचार के लिए निकले. They said Jesus is a healer. उसने उन्होंने कहा कि यीशु मसीह चंगाई देता है. Jesus is a savior. वो उद्धार करता है. Jesus is a soon coming king. वो यीशु मसीह द्वारा फिर आने वाला है. हो सकता है सैतान ने उनके कान में कहा होगा। Go and look after your sick child before you say Jesus is a healer. हाँ जाके देखो अपने बच्चों को क्या यीशु मसीह चंगाई को देता है। They didn't listen to the devil. उन्होंने सैतान की बात को नहीं सुनी। They believed in God. उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया। They believed in God's word. वो परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया। They went down for the kingdom of God. वो परमेश्वर के राज्य के लिए निकल गए। The kingdom of God came down for me. परमेश्वर का राज इस बच्चे के ऊपर उतर आया। Jesus healed me. यीशु मसीह ने चंगाई दे दिया। Jesus healed me. Now I operate such children. मैं ऐसे बच्चों का इलाज करता हूँ। I put a tube in the brain and pump into the stomach for ventricular perfusion. और मैं tube डालकर उन बच्चों के सिर में tube डालकर उनका शल्यक्रिया मैं करता हूँ। Thank God there was no surgery when I was born. जब मैं जन्म लिया था उस समय किसी प्रकार का ऑपरेशन की सुविधा नहीं थी। If there was somebody would have operated my head. अगर कोई अब मुझे मेरा ऑपरेशन सिद्ध का करता हो। When God heals you. लेकिन जब परमेश्वर आपको चंगाई देता है। Healing is complete. वो चंगाई पूर्णता से देता है। Physical with